चलो चलो पुराने फोटोज दिखाओ हमें। आज तक भी बंटी का बहुत वायरल हुआ। एक छोटी बच्ची है, आज का व्लॉग है मिस्टर गोगो का पुराना एफबीआई अकाउंट चेक किया जाएगा, जिसमें उनकी पुरानी फोटोज। मेरा वही एफबीआई, मतलब नहीं अकाउंट वही है बट पुरानी फोटोज और कैप्शंस। हाय, मैं लिख के देती हूँ, आप सब फ्लैट हो जाओगे। आज के टाइम पे तो कोई नहीं लिख सकता, दावा है। ऐसी एडिटिंग ऐसे पोस्ट। सुनो सुनो, वो जब की बात है ना, जब की बात है जब हम सब हुआ करते थे। मैं उस टाइम से फेसबुक पे फोटो डालता हूँ जब ना बहुत ये सबको ना इतना कोई मानता ही नहीं था। फेसबुक बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग है ये। इंस्टाग्राम तो था, 15-20 साल बड़ा है। इंस्टाग्राम तो था भी नहीं उस टाइम पे। देखो एक सेकंड, मेरे को ये कंफर्म करना था उस टाइम पे। मैंने ना गूगल की इंस्टाग्राम था या नहीं, तो ये इतने बुजुर्ग तो इंस्टाग्राम था, मतलब ना ज्यादा यूज। एक सेकंड, तो वो मैंने गूगल करके देखा है तो इंस्टाग्राम था उस टाइम पर, इन्हें पता नहीं था। इंस्टाग्राम था, यूज नहीं करता था। जो यूज नहीं करते तो था ही नहीं, कोई यूज नहीं। ओके, दैट मींस मैं कैपकट यूज नहीं करती, तो मतलब कैपकट का कोई वजूद ही नहीं है, है ना? ऐसा नहीं है गाइस, देखो सबको पता होगा कि पहले सबसे ज्यादा फेसबुक बहुत यूज करता था। अच्छा चलो ठीक है, चलो बहुत बहुत ज्ञानी हो, बहुत बहुत बुजुर्ग हो तुम। चलो ठीक है, चलो खत्म करो। तो हम एफबी अकाउंट देखते हैं, ठीक है? ओपन, मेरे को पता है पासवर्ड, मेरे को पता है एफबी का पासवर्ड। इधर ही था। हम फिर भी सर्च करेंगे। एफबी अकाउंट ओपन हो गया। दिखा मेरे टच से होगा, खराब है टच। क्या ओपन कर? फोटोज देखनी है हमें पुरानी। मेरे तो कमेंट, अरे वाह है, क्या आप कैप्शंस थे, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। देखो गाइस, जो मुझे फॉलो नहीं किया है फेसबुक पे, मेरे को फॉलो कर लो। शुभम वर्मा, बड़ा ही गंदा तरीका है। शुभम वर्मा 400K फॉलोअर्स हुए अभी तक, बस बहुत ही गंदा बात है। बढ़ा दो कुछ तरीका भीख मांगने। चलो चलो पुराने फोटोज दिखाओ हमें। पहला फोटो दिखाओ, आपको सबसे पहला फोटो मैं दिखाऊंगी, तुम मत दिखाओ कुछ भी। गाइस लिटरली आप नहीं पहचान पाओगे। देखो, मैंने ये फोटो नहीं दिख रही ना, ये सारे फोटोज है ना, ये सारे फोटोज मैं ना स्क्रीनशॉट लेके रखती हूँ, देखो आपके सामने ले। अरे तो गूगल पे है, फेसबुक पे है, आप लोग देख लोगे। जाने दो ना, कम से कम इसी बहाने मेरे प्रोफाइल तक तो पहुँचे। नहीं ना, कोई जरूरत नहीं। मैं अपने वालों को जरा भी मेहनत करने काम नहीं देती हूँ। मेरे को उन्होंने सब्सक्राइब किया है ना, तो मैं नहीं रुक सकते। तो मैं कैप्शन देख रहा हूँ ना, उसमें कुछ नहीं कैप्शन। इस टाइम पे शायद कैप्शन भी नहीं निकला हुआ इनके लिए, नया नया था उस टाइम पे। अरे ओफ ओफ ओफ, इसमें भी कैप्शन नहीं है। 2016 का है, मतलब पता ये कौन है? एक टाइम पे ना यही है जो जिंगर गाने को फेमस किए है। ऐसी डाल दिया था, कुछ भी डाल देता था उस टाइम पे। सही कहा, कुछ भी डाल देता था। शुभम पहले का क्यों दिखाया, क्यों पढ़ाया था मैंने, कुछ भी डालता था। ये कोई तरीका है? किसी और के कपल का फोटो तुम अपने पेज पे डाल रहे हो, उनकी कोई प्राइवेसी गई भाड़ में। अब ये कौन है? उसका बर्थडे होगा तो डाल दिया होगा। ये कौन है? वो मेरे घर में से
मेरी बहन है बस इन्हीं। अरे शालू दी? नहीं नहीं मेरे मेरे कजिन मेरे। छोड़ो बच्चों को क्या ही रोज करना तुम हो ना। कैप्शंस ब्रो वेट 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 आई विल टेक इन अ स्क्रीनशॉट। रुको रुको थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज बुरा नहीं मानना क्योंकि ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है बट आई विल ट्राई। मैं दिल का राज करता हूँ यही लिखा। मैं दिल का राज करता हूँ कि जब जब सांसे लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ। तू क्या ये तूने क्या किया बोल ये तूने क्या किया। ये तो गाना है ये तो गाना है। इतने तरीके से क्यों खराब किया तो सॉन्ग है ना। गाना क्यों खराब किया हमें तो यही पूछ रहे क्यों खराब किया। अभी एक फोटो आ जाए ना सेम तो डिलीट हो जाती हर जगह से। ये एक पोज है ना चारों जगह पे लगी हुई है। अलग अलग कैप्शंस होंगे। टाइम लोगे तो भी चलेगा लेकिन वेट तो मैं सिर्फ तेरा ही करूंगा। भूल भी गई अगर तू मुझे फिर भी मैं तेरा क्या फिर भी मैं तेरा ही बन के रहूंगा। शुभम हैशटैग शुभम यस थैंक्स शुभम। क्या शुभम ये सब पुराने जमाने पुराने 2016 शुभम फोटो दिखो कब का है 2017 का है सोचो शुभम हैशटैग स्पैक शुभम। सीरियसली तुम तो वो जो इसने ये गाना लिखा ना बेचारा उसको भी शर्मिंदा कर दोगे। क्यों लिखा था मैंने ऐसे लोगों के लिए गाने लिखा गाने चाहे मैंने। देखो ये फोटो मैंने उनको दिखाई दूंगा तुम पे भरोसा उठ जाएगा। वैसे तो होगा भी नहीं शिबू प्लीज सेम पोज। अब वक्त बदल गया जज्बात बदल गए तरीके बदल गए अल्लाह मेरे ही फोन में स्क्रीनशॉट है सब डिलीट मानूंगा मैं सब लेके जाऊंगी। हैशटैग टू हैशटैग एग्जाम ये मैंने देखा है बहुत ये पहले चलता था मतलब जब मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया सब ऐसे हैशटैग चलते। देखो देखो अब मैं बोलती हूँ समझ जाना। हैशटैग तू थी हैशटैग तू है और हैशटैग तू ही हमेशा हैशटैग रहेगी। जब हैशटैग एक है तो हैशटैग दिल में राज करने वाली रानी भी तो हैशटैग एक ही रहेगी। बिना हैशटैग के पढ़ो बिना ये डुप्लीकेट नाखून सब लगवा के इससे अच्छा ही चलो भैया चुप बैठो तुम। चलो ना हो गया अल्लाह आज भी कर सकते हो करके दिखो एक बार। चलो चलो हाँ सुन पगली माचिस तो यूं ही बदनाम है आग तो मेरे स्टाइल से लगती है हैशटैग शुभम यो शुभम यो। गलत बात है सब ये गलत बात है। दूसरा ओह ऐसे है पोज का देखो ऐसा पोज है पोज ही ऐसा वैसे हो भी नहीं था वैसा। चलो तुम नखरे बढ़ाती हो तो कुछ नहीं और हम बाल बढ़ा ले तो आफत है आफत होगी सॉरी होगी। एक चलिए वापस पढ़ती हूँ समझा। तुम नखरे बढ़ाती हो तो कुछ नहीं और हम बाल बढ़ा ले ना तो आफत हो जाएगी कैसा कैप्शन था। अरे लड़ रहा था उस दिन मेरे आईफोन के लिए इस वजह से लड़ रहा था। क्या था हमारा स्टाइल और हमारा एटीट्यूड ही कुछ अलग है बराबरी करने जाओगे तो बिक जाओगे आईफोन 7 और आईफोन 6 को लेकर बिक जाओगे। उस टाइम पे था मेरे पास आपके पास कॉफी पीते क्या। वायरल कैप्शन टू ऑल अवर एंजल प्रियास फर्स्ट क्राई ऑन 27th December दैट मींस हिज बर्थडे। I am a prince with my cute and beautiful princess who lives in my heart. Hashtag Royal Verma. Hashtag Bhivandi ka. I'm gonna call guys.
कसम से अभी रिंग लाइट गिर गया था, तुम्हारे प्यार में गिर गया बाबू। ये नेपाल गया था ना, वही रह जाते Enjoying in Nepal, feeling crazy. ये इमोजी का देखो मैं कैसा मुझ पे क्यूट लग रहा है पर वो आज कोई ना बड़ी सी बड़ी महंगी से महंगी दारू पी के भी ऐसा पोस्ट नहीं देगा, ये पेप्सी पी के दे रहा था। सोचा नहीं जी गया, क्या सोचा नहीं जी गया, पेप्सी थी पी गया। अब बताओ नहीं 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 सोचा नहीं पेप्सी था पी गया तो क्यों जी ऐसी सोचा नहीं बस पी गया। ओके मुझे लगा के अभी कलेश ही कलेश होते। देखो पोस्ट कितना अच्छा दिया था मैं, वो तो ये भी कमेंट करेंगे भाई क्या पोज है, कहाँ सीखने आना है, बस कहाँ ही ट्यूटोरियल दे रहे हो तुम भिवंडी के किस कोने में, ये सब पुरानी पोज है। सो इन्होंने ना मोबाइल से छीना झपटी किया था तो मैंने वीडियो बंद कर दी थी, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना ऐसे मासूम लड़की को कोई छीना झपटी करे, तो वीडियो करते है यही एंड थैंक यू सो मच। नहीं मिलेगा क्या कर लोगे, मैं भी सब फोटो डिलीट मार दूंगा, नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए, कौन सा पार्ट और कौन सा पोज एंड कैप्शन आपको अच्छा लगा प्लीज कमेंट में लिख देना बता देना, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाना। कुछ बोलना है मेरे को भी बोलना है, मैं बंदों में दिखाता हूँ, नहीं वो डिलीट नहीं करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आप लोगों में दिखाता हूँ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं ऐसी नहीं दिखवाना हूँ दादा अपना, ये लोग जूबी के बचपन है। और हाँ इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू, बाय बाय।